हाँ दोस्तों, हम निकल गए थे मनाली घूमने के लिए। यहाँ मजनू के टीले से बस मिलती है मनाली के लिए, जो जिंग की बस है, एकदम लग्जरी बस है। बस में यहाँ बहुत ही स्कैम होता है, बहुत ही फ्रॉड है। पहले ऑनलाइन टिकट बताते हैं 1000 रुपए की, फिर यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद में यहाँ मजनू के टीले पर ब्रोकर बैठे, उनसे टिकट लेनी पड़ती है, जो टिकट प्राइस आपको 1500 से 2000 के बीच में पड़ती है। रियल में ये फ्रॉड करते हैं ऑनलाइन साइट पर जिंग बस से। पर यह जो अभी जो हमें बस मिली है वो बहुत अच्छी बस थी, बहुत ही लग्जरी बस थी, और सीटें इतनी लग्जरी थी जिसकी हद नहीं है। लक्ष्मी हॉलीडेज की बस थी, ये जिंग बस थी, और काफ़ी इनकी ब्रांचें चलती हैं। हमारी बस निकल गई थी मनाली के लिए। हाँ दोस्तों, ये मजनू टीले पे जो स्टॉल लगे हुए हैं बहुत ही महंगे, चिप्स कुरकरे आइसक्रीम बेचते हैं, बहुत ही महंगे, यानी कि जस्ट 10 रुपये की चीज़ है उसके 30 रुपये लेते हैं। यहाँ हमारी पहुँच चुकी थी चंडीगढ़। चंडीगढ़ से यहाँ पे एक होटल आएगा, वहाँ पे नाश्ता वास्ता कर सकते हो, खाना खा सकते हो वगैरह वगैरह। यार चिप्स यहाँ पे कॉस्टली बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, यानी कि बहुत ज़्यादा आया कि इतना मनाली में नहीं लौटते, इतना तो यहाँ होटलों पर लौटते हैं। दूसरा स्टॉप आ गया था हमारे चंडीगढ़ से पहले, एक और छोटी जगह थी, हाईवे कैफे था इसका नाम। यहाँ पर हमने मैगी वैगी खाई, वो वगैरह वगैरह सब यहाँ पे फुल था, और नाइट हो चुका है, नाइट फुल थी, और सुबह होते हैं मनाली पहुँच गए थे। मनाली पहुँचते यहाँ पे एक ब्रोकर था, जो होटल का ब्रोकर, वो हमें अपनी टैक्सी में बिठा के ले जा रहा था होटल। होटल पहुँचते हैं, आपको बताते हैं होटल कैसा था। होटल तो काफ़ी लग्जरी था, और होटल वाले ने काफ़ी लूट फूट की। ये देखो गाइज, गाइज हम आ गए थे आज मनाली सुबह, जो होटल में हमें एंट्री मिली थी होटल के बाद में। अब हम जाके रेडी हुए हैं, अब जाएंगे कहीं बाहर घूमने, जिसमें हम आज जाएंगे वन विहार, हिडिंबाबाद, देवी टेम्पल और मॉल रोड, कई कई जगह हैं जिनको एक्सपोज करेंगे। और ऐसे आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, पूरा आपको डिटेल से बताएंगे यहाँ कैसे आए थे, कैसे गए थे, और कितना क्या चार्ज लगता है। पूरा यहाँ पे रेडी हो रही है सन्नू, ये तैयार हो रही है। तैयार होने के बाद में चलते हैं, और तुम सबको बताते हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लो यार जल्दी से जल्दी। इस होटल से हम निकल गए थे, अभी कहाँ जा रहे हैं, हिडिंबा देवी टेम्पल मंदिर। हिडिंबा देवी टेम्पल मंदिर जाके आपको बताएंगे कि वहाँ कैसा क्या है, जो आपको यूट्यूब पे सच बताया जाता है वो सच है या नहीं है, हम आपको पूरा सच बताएंगे, क्यों सन्नू? यस। तो गाइस चलते हैं और मिलते हैं हिडिंबा देवी टेम्पल मंदिर। गाइस यहाँ से मंदिर की सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं, मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ाई काफ़ी है। यहाँ पे स्टॉल भी लगे हुए हैं छोटे मोटे, ऐसे शॉपिंग के लिए आप शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पे नाम के छल्ले मिलते हैं, प्रसाद मिलते हैं, और ये सांड तो साइड में घूम रहा है, और पीछे पीछे सांड के एक पीछे कुत्ता था। यहाँ प्रसाद की दुकान है, और ऑपोजिट भी प्रसाद की दुकानें हैं, काफ़ी दुकानें यहाँ की सदाबहार के बन के, जो आप देख रहे हो एकदम फील होता है हाँ यार गाइस कहीं घूमने हैं। और वहाँ पे ऐसे लोकेशन पे हिडिंबा देवी टेम्पल मंदिर है कि आप पूछो मत। यहाँ पे जो पेंटिंग कर रहे हैं, हैंड राइटिंग से पेंटिंग करके देते हैं, आपका नाम और सब कुछ, आपकी फ़ोटो बनाने तो फोटो बना देते हैं, बाकी मक्की बेच रहे थे आप। हिडिंबा देवी माता टेम्पल पहुँच चुके थे, हमारे पीछे जो मंदिर देख रहे हो माता जी का ही है, अभी आपको पूरा बताएंगे। फुल भीड़ आज मनाली में सैटरडे की वजह से, तो खूब देखो गाइस। सन्नू कैसे लगी मंदिर के आगे, ये अंदर आना मना था, और यहाँ जूते उतार के आप मंदिर जा सकते हो, पर गेट का लोग लगा, लाइनें लगी हुई थी लंबी माता जी के मंदिर की। तो भाई ये लाइनें लगी हुई है सब भक्तगण, और इधर फोटो शूट चल रहा है, लोग कोई पहाड़ों पे जाके करवा रहे हैं, कोई कितने जाके करवा रहे हैं, सब फुल मस्ती कर रहे हैं। हिडिंबा देवी माँ टेम्पल लाइन लगी हुई है अच्छी खासी लंबी। देखो गाइस, ओ हो वन, देखो आप ऊपर ऊपर, देखो गाइस लाइन तो बहुत लंबी है, होता ही नहीं चलेगा। गाइस लाइन में नंबर तो शायद ही आएगा, लाइन काफी लंबी थी। जहाँ खाने के लिए लिया था हमने कैंडी मात्र से 30 रुपए की थी, क्योंकि कैंडी लोकेशन की वजह से महंगी मिलती है, बाकी अपने घर में तो 10 रुपए की मिलती होगी, पर लोकेशन के हिसाब से महंगी थी। इसलिए मैं लेके आया था कैंडी, और इधर हिडिंबा देवी टेम्पल मंदिर है, जहाँ किन्नी मात्र 20-30 रुपए मिलती है, बाहर सिर्फ 20 रुपए मिलती है। कुछ लूट नहीं है ज़्यादा तो, क्योंकि ऊंचाई की वजह से थोड़ा महंगा पैसा ले रहे हो, और कुछ नहीं। इस कैंडी के मात्र 20 रुपए लिए थे, ऊँचाई है इसलिए ले रहे हैं थोड़े महंगे, बाकी तो कुछ नहीं है। तो गाइस कैंडी खा रहे हैं दोनों, जने खा रहे हो दो, बहुत मस्त है यार। भैया केसर भेज रहे हैं भैया, कैसे क्या केसर का उपयोग आता है? केसर तो दूध में खीर में डाल के खाते हैं। तो भैया ने सस्ते केसर दिए वैसे भी तो है तो भैया रियल दिक दिक तो दो केसर की डब्बी लिए भाई से, सिर्फ मात्र 200 रुपये।
अरे नहीं आपकी कसम, शिलाजीत नहीं है, शिलाजीत नहीं। हिडिंबा देवी माता मंदिर घूम लिए थे, अब जाएंगे वन वार टुंगरी वन वार मंदिर, जो इनका एंट्री गेट है, ये जो एंट्री गेट है। दोस्तों मंदिर में घूमने की टिकट नहीं है, बाकी वन विहार में आप घूमोगे तो उसके 10 रुपये टिकट है, आपके पर्सन के और बच्चों के सिर्फ 5 रुपये टिकट है, वो वन विहार के अलग है, यहाँ पे टिकट आपको कटानी फिरेगी और फिर आप घूम सकते हो मंदिर के। यहाँ पे एक आंटी है जो हिमाचली ड्रेस यानी कि फोटो शूट करवाने के लिए देती है किराए पे सिर्फ मात्र 100 रुपये में। 100 रुपये रेंट ज़्यादा था, पर कि यार क्या करेंगे, 2 पर्सन के लिए 50-50 डिवाइड कर सकते हैं उससे, कि यार पर गए हैं घूमने के लिए तो बनता तो भाई थोड़ा वहाँ का मॉडर्न वहाँ का फैशन में एंजॉय करने। सन्नू का फोटो शूट करा रहे हैं भैया, फोटो शूट कर रहे हैं उधर से भैया, लौंडे आदमी है, सस्ती रेट में काम करते हैं। ये देखो उतारते हुए ये फोटो शूट चलता हुआ हिमाचल में मन लो दीदी लो सर लो दीदी। दोस्तों फोटो शूट होने के बाद हमने बनाया अपना स्लो मोशन वीडियो, क्योंकि वीडियो तो इंपॉर्टेंट है तो इसलिए स्लो मोशन बनाएंगे, फिर खाएंगे झूला। मनाली में फोकट के झूले तो कौन नहीं खाना चाहेगा, झूले खाएंगे आसमान की सवारी होती है। चलो गाइस अच्छे अच्छे झूले खा रहे हैं, सदाबहार वन है मनाली टेम्पल में। ओहो गाइस हाय हो हेलो हो चुकी है, अब आए हमारे नाश्ते की बारी। चलो पेट पूजा करते हैं, मोमोज और जूस। मोमोज पहले लेके आया गया था और जूस बाद में, टेस्ट करके बताते हैं कैसा टेस्ट होता है कैसा नहीं होता, क्योंकि मनाली में तो फेमस है। मोमोज को टेस्ट किया, मोमोज तो एकदम रद्दी थर्ड क्लास क्वालिटी थे, कोई काम के मोमोज नहीं थे। पास में कैफे है वो रहा पीछे, घंटा ही काम का नहीं है भाई साहब, घटिया है। जूस पी के आपको बताते हैं, जूस एकदम ही घटिया नहीं था, अच्छा था। लाइक कमेंट सब्सक्राइब नेक्स्ट पार्ट।